नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे कि हम फेडरल बैंक में अपना न्यू अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ, लाइव यहाँ पे आपको फ़ोन में ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूज़र होते हैं जो कि फ़ोन यूज़र ही होते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, क्या क्या लगने वाला है, आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ क्या क्या फिलअप करना है, सब कुछ आप सभी को बताने वाला हूँ। और ये पूरा ही प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, और आपको जो कि वीडियो केवाईसी के माध्यम से फुल केवाईसी भी कर दी जाएगी। तो प्रोसेस को जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिना किसी देरी के हम इस प्रोसेस को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने फ़ोन में ब्राउज़र को ओपन करना होगा। वहाँ पे आप सिंपली लिखोगे फेडरल बैंक, और जो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए फेडरल बैंक ओपन एंड अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। वैसे मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाओगे। तो देख लीजिए, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फेडरल बैंक की है, जो कि थोड़ी यहाँ पर दिखाया गया है कि इस अकाउंट के बारे में। तो आपको है जो कि इस वाले पेज पे आओगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अकाउंट के बारे में। अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली जो आपको ओपन नाउ का बटन दिख रहा है, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए, आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हो वो है ऑनलाइन डिजिटल सेविंग अकाउंट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर जो भी एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा वो आपको नील, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके साथ ही है जो कि आपको डेबिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा, और इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज भी मिलेंगी, और फ्री आप ईमेल पे जो कि अकाउंट स्टेटमेंट मंगा सकते हो। तो आपको ओपन करने के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको है जो कि डालना होगा अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको वो डालना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। तो आप अपना है जो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, और यहाँ कैप्चा कोड दे रखा है, इस कैप्चा कोड को भर के या टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो, आप जो कि आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा जिसे आप OTP कहते हो, वो OTP आया होगा। तो आपको है जो कि OTP अपने फ़ोन में से देख लेना है, और वही OTP आपको यहाँ पर भर देना होगा जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त हुआ है। और OTP भर के आप सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू आप कर दोगे। तो जैसे ही आप OTP भर देते हो, आपके सामने आएगा टर्म एंड कंडीशन। इस टर्म एंड कंडीशन को आपको एक बार पढ़ लेनी होगी, और पढ़ने के बाद जो नीचे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा एक टर्म एंड कंडीशन के नीचे, इस वाले बॉक्स पे आपको टिक आउट कर देना होगा, और कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो अब यहाँ पर आपसे जो कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि आपका आधार नंबर और आपका पैन नंबर, दोनों चीज़ें जो कि आपको अपने आईडी प्रूफ पे देख लेनी होगी। और आधार नंबर पैन कार्ड नंबर है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो सबमिट करते ही आपका जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पे है जो कि एक 6 डिजिट का सिक्योर कोड यानी कि OTP सेंड करा गया होगा। तो OTP हमारे पास आ गया, हमने OTP यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा जो भी दे रखा हो, और सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो सबमिट करते ही ये देखिए आपकी आधी से ज़्यादा डिटेल्स है जो कि आपके आधार कार्ड के ज़रिए ले ली गई है, जैसे कि आपकी फ़ोटो, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि अब आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड के माध्यम से ले ली गई है। तो अब जो कि आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा अपने डिटेल्स वगैरह चेक करके। अब देखिए यहाँ पर है जो कि आपको कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी होगी, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी बैंक में आप रजिस्टर कराना चाह रहे हो वो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दोगे। उसके नीचे आपको फादर्स नेम, अपना मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस सिंगल या मैरिड वो आप कर दोगे। और देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस, तो जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड पर था वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो आप इस बॉक्स पर टिक लगा दोगे, ऑटोमेटिकली एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, फिर सिंपली आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे मांग रहा है आपकी नॉमिनी डिटेल्स। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप बैंक खाता खोलते हैं अपना नॉमिनी जरूर से जरूर ऐड करें। नॉमिनी ऐड आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज, रिलेशन विद नॉमिनी यानी कि नॉमिनी आपका क्या लगता है, माता है, पिता है, बहन है, दोस्त है, जो भी आपके नॉमिनी है वो आप सेलेक्ट कर लोगे और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे डालनी होगी आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी कि जो भी आप कामकाज वगैरह करते हैं यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल दोगे, जिस तरीके का भी काम करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप प्राइवेट जॉब करते हो, ड्राइवर हो, बिजनेस करते हो, कंडक्टर हो, जो भी आप करते हो यहाँ पर आप है जो कि अपना प्रोफेशन यानी कि अपना कामकाज सेलेक्ट कर लोगे जो ऑप्शन आपको सूटेबल लग रहा है। उसके बाद है जो कि आप अपनी मंथली इनकम सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपके मंथली इनकम हो।
और उसके बाद आपको नीचे अपनी अकाउंट की है जो कि ब्रांच वगैरह सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो आप ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आपके नियर बाय ब्रांच आ रही होगी वो सारी ब्रांच आपको दिख जाएगी। तो आप यहाँ पे अपनी मनमर्जी से जो आपके सबसे घर के नज़दीक में ब्रांच पड़े उस ब्रांच को आप सेलेक्ट करें, ताकि अगर आपको कभी कुछ काम वगैरह पड़े अपनी ब्रांच में जाने का तो आप इजीली है जो कि ब्रांच जा सके। अब जो कि आपको ये सब चीज़ें कर लेनी होगी। उसके बाद अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहे हैं तो इस स्कीम वाले ऑप्शन में आपको जो यहाँ पे SB फैटबुक सेल्फी लिखा हुआ दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन को है जो कि आपको सेलेक्ट करना होगा और किसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना होगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू कर लेते हो अब जो कि आपकी वीडियो KYC का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आपको कैरी कर लेना होगा अपना ओरिजिनल पैन कार्ड वगैरह, एक पेन और पेपर। तो यहाँ पर है जो कि आपको टाइमिंग मिल जाती है कुछ सेकंड्स की, तो आपको ये सब पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा अपनी वीडियो KYC को चालू करने के लिए। तो यहाँ पर है जो कि आपकी टाइमिंग ख़त्म होने से पहले आपको सब कुछ कर लेना होगा। तो यहाँ पर मात्र 6 सेकंड बाकी है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और उसके बाद है जो कि अपना आगे का प्रोसेस है जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो कि आप वीडियो KYC पेज पे आ चुके हो, यहाँ पर जो कि आपको वीडियो KYC स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो नीचे बटन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे है जो कि आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है वीडियो KYC की वो यहाँ पर है जो कि आपके लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हो वाईफाई कनेक्टिविटी और जो भी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी है। और यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, जैसे कि आपका माइक का परमिशन, कैमरे का परमिशंस और भी एक दो परमिशन है जो कि आपको अलाउ करनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पे परमिशंस मांग रहा है, तो जो भी परमिशंस मांगता है आपको सारी की सारी अलाउ कर देनी होगी। जैसे ही आप अलाउ कर देते हैं यहाँ पर है जो कि आपसे एक एजेंट है जो कि कनेक्ट करेगा, जो कि फेडरल बैंक की तरफ से होगा, जो कि आपकी वीडियो KYC को है जो कि स्टार्ट करेगा। तो अब हमारे वीडियो KYC का प्रोसेस है जो कि आगे बढ़ने जा रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमसे है जो कि एक एजेंट कनेक्ट हो जाता है। तो जिसका भी मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहा था वो भाई अब है जो कि अपनी KYC को कंप्लीट करेगा। और सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं आपको यहाँ पे है जो कि चेहरे वगैरह नहीं दिखा सकता हूँ, फेस वगैरह। और यहाँ पे ऑडियो है जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाई ऑडियो, क्योंकि परमिशंस मांग रहा था, तो है जो कि इसमें वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर है जो कि पूरी KYC इस तरीके से ही आपकी भी होगी। आपको जो कि कैमरे की तरफ देख के अपना है जो कि जो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपको जवाब देने होंगे। मात्र 2 मिनट में आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड वगैरह दिखाना होगा, आपका माता का नाम, आपका पिता का नाम और आपका पूरा नाम और आपका है जो कि नॉमिनी का नाम, बस इतनी सारी डिटेल्स पूछी जाती है। और मात्र 3 से 4 मिनट में है जो कि आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो कि मैसेज के थ्रू है जो कि आपको अपने अकाउंट का नंबर, CIF नंबर और भी चीज़ें जो कि आपको प्रोवाइड हो जाएगी। 24 घंटे के बाद है जो कि आपका अकाउंट को आप एक्टिवेट कर लोगे और जो कि सारी चीज़ें आप रजिस्टर कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग वगैरह। तो यही एक छोटा सा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स फेडरल बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और किसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो हमने पहले वीडियो बना रखी है काफ़ी सारे बैंकों की, आप चाहो तो उन बैंकों को जाके देख सकते हो। और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।